1500 रुपया जी आपने नहीं समझे, हो सकता है 2000 रुपया वाला रूम लीजिए, लेकिन कोई भी आदमी बेवकूफ होगा, जो 2000 रुपया का रूम लेगा कितने का लेगा, जो किसी की नौकरी करनी है कितने का लेगा, 500 का, तो 1500 रुपये जेब में कोई दिक्कत। इसके बाद HRA हो गया, तो HRA क्यों दिया जा रहा है, आपको किराए में रहने के लिए या आपके पास मकान नहीं है उसके लिए कंपनी आपको अलग से फ्लैट का पैसा देती है। इसकी नौकरी में वो नहीं मिलेगा, आपकी वाली नौकरी में ये चीज नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोकल जो नौकरी ढूंढ रहे हैं या लोकल कंपनी में काम कर रहे हैं, टाटा में काम कीजिएगा, रिलायंस में काम कीजिएगा, SCL में काम कीजिएगा, इन सब कंपनी में आपको ये सब चीज मिलेगी HRA। इसके बाद से BA, इसका होता है डियरनेस अलावेंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता। आपने पेपर में भी पढ़ा होगा बिहार सरकार ने 4% पहले दिवाली से पहले सारे सरकारी आदमियों को सैलरी बढ़ाई है, हाँ या ना बढ़ाई है, डियरनेस महंगाई भत्ता, डियरनेस अलावेंस, ए से अलावेंस, महंगाई भत्ता, कोई डाउट है? तो जब आपका प्रमोशन नहीं होगा आपकी सैलरी 5000 ही रहेगी, लेकिन महंगाई तो रोज बढ़ रही है, तो हर 3 महीने 4 महीने पकड़ कंपनी को लगेगा, तो आपका महंगाई भत्ता बढ़ाते रहेगी। आपको शुरुआत में हो सकता है 70% डीए मिले, 5000 का 70% निकालो जल्दी, पिछले बार हम बता दिए, इसीलिए जानबूझ कैसे डिजिट लिख ही रहा हूं कि तुम अभी सैलरी सीट कैलकुलेट करो, तो कितनी महंगाई भत्ती मिलेगी आपको, 3500, आपकी सैलरी बढ़ रही है घट रही है, लेकिन इस वाले एम्प्लॉय में 8000 का मतलब 8000, 1 रुपया कम नहीं, कोई डाउट। HRA TA मेडिकल मतलब स्वास्थ्य के लिए आपको कंपनी कुछ पैसा प्रोवाइड करेगी, यस सर, कोई दिक्कत है? वो मान के चलिए कि आपकी सैलरी का वो 20% आपको मेडिकल देंगे, तो 20% कितना हुआ, इस तरह की कंपनी जितनी सुविधाएं देगी वो आपकी सैलरी में बढ़ रहा है, सैलरी थी 5000 जोड़ के देखो कितना हो गया, 11500, कोई डाउट, कोई दिक्कत? तो इस तरह अब आप सोचिए, इसी को आपकी वाली सैलरी को बोलेंगे सिर्फ सैलरी, इसको बोलेंगे पैकेज।